कैसे नवरात्रा बिठाने चाहिए, साढ़े तीन हाथ साढ़े पांच हाथ जमीन को गोबर से पोत करके और सुंदर स्थान बनाए माँ का, दिव्य आसन बनाए, स्वस्ति वाचन करे, वेद मंत्र पाठ करे और हो सके तो माँ की स्वर्ण के ऊपर मूर्ति बना ले, चांदी पर लिखकर बना ले और हो सके तो माँ की और सुंदर प्रतिमा बना करके नवरात्रे करने चाहिए। शंख चक्र गदा पद्मधरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादश भुजा व्यापी प्रतिष्ठाप्या सनातनी। लेकिन नवरात्रे करने वालों को ध्यान रखना चाहिए भद्रा में कलश की स्थापना न करे, शुद्ध समय देख ले कि कितनी बजे से कितनी बजे तक पवित्र स्थान है। स्थापय पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वत पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र और पांच पत्ते लगाए बड़ के पीपल के आम के पंच पल्लव जो होते हैं ना अपने यहाँ राज के हो सके मिल जाए तो पंच पल्लवों से समी के पंच पल्लव लगाने चाहिए और सुतीर्थ जल संपूर्णम सुंदर तीर्थों का जल कलश में भरना चाहिए। और एक बात विशेष लिखी है नवरात्रा करने वालों को सुने सुने बैठ करके मौन बैठ करके नवरात्रे नहीं करने चाहिए, गुओं की तरह बैठे नवरात्रे हमारे घर में आ रहे ऐसे पड़े हैं जैसे बहुत आलसी हो गए हैं। देवी भागवत में कहते हैं नवरात्रों के अंदर गीत बादित्र घोषांच कारेत मंगलाय वही, नवरात्रों में घंटी बजावे घड़ावल बजावे वाद्य बजावे, हो सके तो आरती में जोरदार शंख ध्वनि मंत्र ध्वनि यज्ञ ध्वनि के साथ में नवरात्रे करने चाहिए। हमारे यहाँ दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, तो आपको पता है लक्ष्मी जी का जब दुकान में पूजन करे या कारखाने में करे तो घंटी घड़ावल नहीं बजाते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ स्थिर हो जाए सदा सदा विराजमान रहे, लेकिन नवरात्रों में माता जी के सुंदर और वाद्य के साथ में गीत वादित्र घोषान कारयेत क्यों करना चाहिए, गीत गाना गाना नृत्य करना क्यों करना चाहिए कि मंगलाय च, स्वयं माँ मंगल करने के लिए पधारती है। तिथौ हस्तानितायाम च नंदायाम भोजनम्बरम, तिथि टूट जाए तो नंदा तिथि का कर ले। प्रथमे दिवसे राजन विविध कामदम निर्णाम, पहले दिन की माँ की बढ़िया पूजन करे, दूसरे दिन तीसरे दिन। यदि कोई नौ रात्रे नहीं कर पा रहा है तो नहीं चाहिए, सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन नवरा व्रत कर ले। और कोई इतना भी नहीं कर पाता है तो माँ बड़ी दयालु है, केवल नौमी या केवल अष्टमी का व्रत रख लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं नौ दिन व्रत रखेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी नहीं आएगी, ईश्वर को जीतने की शक्ति आ जाएगी माँ की पूजा से। आपको पता है नवरात्रों के पहले श्राद्ध आता है, श्राद्ध में आदमी पितरों को अपना जल देता है, उसका पुण्य पितरों को मिलता है, आदमी कमजोर हो जाता है श्राद्ध में। श्राद्ध का अन्न खा के फिर आदमी को नींद आती है, आलस जाता है। हमारे यहाँ श्राद्ध के बाद नवरात्र आते हैं, जो उसने पितरों को दिया पितरों की कृपा से माँ आई और माँ उसे फिर दूना चौगुना हजार गुना तेज दे करके जाती है। तो कभी नहीं समझना चाहिए कि भैया उपवास से हमारा ये हो जाएगा। पूजये जगदाम धात्रिम धूप दीप फलान्विताई, और माँ के बलि जरूर चढ़ानी चाहिए, लेकिन बलि पशु की नहीं जानवर की नहीं, देवी भागवत में लिखा अन्न की माँ के बलि चढ़ाना तो नारियल की बलि चढ़ानी चाहिए। किसकी बलि? और बहुत ज्यादा बढ़िया खुश करना है तो कुमड़े की कुष्मांड की बलि माँ को बड़ी पसंद है।